फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि देयर इज नो अदर वे बट टू क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं कि सिवा कोई रास्ता नहीं है, जैसे बर्दाश्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, या बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, या भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में देयर इज नो अदर वे बट टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप देयर वाज नो अदर वे बट टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसे बर्दाश्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, या बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू सफर, यानी बर्दाश्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बाय द वे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो जैसे बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर वॉज नो अदर वे बट टू सफर, यानी बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अगर आपको कहना हो कि मुंहतोड़ जवाब देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू रिटर्ट, यानी मुंहतोड़ जवाब देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इंग्लिश सीखने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश, यानी इस काम को करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। घर बेचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू सेल द हाउस, यानी घर बेचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कहना हो कि माफी मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज, यानी माफी मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पैसा बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू सेव मनी, यानी पैसा बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कहना हो कि मुकदमा करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, या मुकदमा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू सू, यानी मुकदमा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।